फाल्गु नदी को साफ दिया है जो तुम्हारा ऊपर कोई पानी नहीं रहेगा, मतलब वही सीता माँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं सीता कुंड, जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आए थे अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने। तो आज इसी के बारे में जानते हैं और जानते हैं क्या क्या हुआ था और क्यों फल्गु नदी को श्राप मिला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ, आज बहुत ही मजा आने वाला है। जब राजा दशरथ जी गुजर गया था तब राम जी चला गया था वनवास। तो राजा दशरथ जी गुजर गया, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, राधा कृष्ण भगवान, ये पांच मूर्ति घर में था। तो पांच मूर्ति गया धाम में आया था, आकर गया धाम में ये भरत स्थान, भरत जी का मंदिर बना दिया है। यहाँ भरत जी, भरत भगवान बनाए यहाँ मंदिर, ये भरत ने बनाया, भरत आया था, भरत 14 साल पहले आके यहाँ पर भरत ने बनाया मंदिर, जो यहाँ पिताजी रहेगा। जब 14 साल खत्म होगा राम जी आके उद्धार करेगा। तो यही है गया धाम का सिन्नत। मतलब ये जो सब पांचिल मंदिर हुआ है ये पहले का मंदिर है, जब राम जी जंगल में गया था उसी टाइम में राजा दशरथ जी गुजर गया था। अच्छा। और उसी टाइम में भरत आए थे पहला, जब भगवान राम मतलब वहाँ वन में थे तभी यहाँ आए थे, यहाँ आया था भरत, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, राधा कृष्ण भगवान, ये पांच मूर्ति यहाँ पर आए थे। इसलिए ये पांच मूर्ति का ये भरत कुंडू में स्थापित है। अच्छा। 14 साल बाद राम जी आया, सीता माँ आया, भरत आया, सब परिवार ही आया, आके माँ सीता को बैठा दिया नदी का कनाल में। राम जी बैठा के बोले हैं जो आप यहाँ पर बैठे रहिए। जय श्री राम मालिक, जय श्री राम। क्या हुआ? माँ सीता को नदी का किनारे में बैठा के चला गया था राम जी सामान लाने के लिए, पिंडदान करने के लिए। पिंडदान करेगा, सामान लाने के लिए गया था। इसी टाइम में राजा दशरथ जी का घर यही था। महाराज देख रहा है जो राजद्वार बंद हो गया, हो जाएगा, इस टाइम में पिंडा अगर हमको नहीं देगा तो 14 साल हमको फिर तपस्या करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम में पिंडदान नहीं होता तो 14 साल भगवान दशरथ को यहीं फिर रहना पड़ता, तपस्या रहना पड़ता। तो इसलिए माँ का पास चला गया, जाके राजा दशरथ ने माटी का नीचे से हाथ निकाल दिया, भगवान दशरथ इसी हाथ में हमको पिंडा दे। अच्छा। माँ ने बोला तो हम तो पिंडा देने के लिए आए हैं, आप इंतजार कीजिए, आपका लड़का लोग भी आ सामान लाने के लिए, जब सामान आएगा तब आपको पिंडा दान करेंगे। बोले नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, इसी टाइम में अगर नहीं दीजिएगा पिंडा ताले हमको 14 साल फिर तपस्या करना है। मतलब उस टाइम से लेट होता तो 14 साल दशरथ जी को 14 साल बाद तपस्या करना पड़ता, 14 साल फिर तपस्या करना पड़े उसके बाद। इसलिए माँ सीता बोला जो देख बाबा, हम तो नदी का कनाल में बालू का ऊपर बैठे हैं, हमारा पास कुछ नहीं है, क्या दे के पिंडा दूँ? बोले माता जी हमको बालू दे के पिंडा दूँ। भगवान दशरथ बोले कि हमको बालू दे, बालू दे के पिंडा दे, तब बालू दे के पिंडा दिया, दे दिया।
उन्हीं तो उतार हो गया राजा दशरथ जी, माँ को आशीर्वाद दे के चला गया। फिर राम जी जब आया, राम जी को माँ ने बोला जो ईसा पिताजी आए थे हमको यहाँ बोला तो हम पिंडा जी, बोले हम लोग तो नहीं देखा, बोले हम पांच साखी को बुलाया, पांच साखी रखे हम पिंडा दिया था। मतलब सीता माँ जब पिंडा दिया था, पांच साखी रखा था। अच्छा, पांच साखी रख के पिंडा दिया था। अच्छा, पांच साखी को बुलाया, चार साखी झूठ बात बोल दिया जो माँ पिंडा। मतलब पांच साखी कौन कौन थे? पांच साखी थे, एक था फाल्गु नदी, एक फाल्गु नदी, द्वितीय था तुलसी पेड़, तुलसी पेड़, दूसरा गाय गुरु, गाय गुरु, पंडित, पंडित, और बौर बिखो पेड़, बौर बिखो, बर का, बौर का पेड़। अच्छा, बौर का पेड़ ही सच बात बोला था और चारों झूठ बात बोला था। जो झूठ बात बोला उसको अभिशाप दिया माने, जो सच बात बोला उसको। तो मतलब क्या क्या श्राप दिए थे? गौ को, गौ माता को श्राप दिया था जो तुम्हारा मुंह में कोई पूजा नहीं होगा। मतलब गौ माता को, गाय को मतलब श्राप, गौ माता को श्राप दिया था तुम्हारा मुंह में कुछ पूजा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा पूजा होगा तो चरण में पूजा होगा, चरण में पूजा होगा। पंडित को श्राप दिया था तुम झूठ बात बोला इसलिए तुम लाख रुपया हो अगर तुम्हारा पास रहेगा तो फिर भी तुमको भीख मांग कर खाना पड़ेगा। मतलब पंडित को श्राप मिला कि तुम्हारे पास कितना भी पैसा रहेगा भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांग कर खाना पड़ेगा। अच्छा, और तुलसी को श्राप दिया है तू जिस मुंह में झूठ बात बोला है उसी मुंह में कुत्ता पेशाब करेगा, कुत्ता ने पेशाब करेगा। तुलसी, तुलसी को श्राप दिया है, वो साखी में था झूठ बात बोला। फाल्गु नदी को श्राप दिया है जो तुम्हारा ऊपर कोई पानी नहीं रहे, मतलब वही सीता माँ श्राप दे जिसी के कारण से यहाँ फल्गु में पानी नहीं रहता, अंतर शिला हो जाए नदी, तो अंतर वही श्राप के कारण यहाँ पानी नहीं रह पाता। अच्छा, यही है गया धाम का नीति, इसीलिए यहाँ पर ही बर को क्या मिला, बर भी खो को आशीर्वाद दिया वो अमर हो गया रहेगा, जितना दिन वो रहेगा अमर अमर रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी देखा गया के बारे में, अभी सीता कुंड के बारे में जो भी जानकारी थी बाबा ने बताया आपको, तो जैसा कि अभी बाबा ने आपको बताया सीता कुंड के बारे में जो भी बातें बाबा को पता थी, बाबा यहाँ हमेशा शुरू से ही रहते हैं तो उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी थी, और जो भी जानकारी थी बाबा ने आपको बताया। तो अभी लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद है, तो जहाँ जहाँ भी खुला हुआ है, जो भी छोटा मोटा मतलब जो भी खुला हुआ है यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एक कभी फिर आके पूरा मंदिर का आपको वीडियो बना कर दिखाएँगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का चरण पादुका यहाँ है, और देख सकते हैं आप लोग कि मंदिर बंद है, तो जो भी जानकारी मिलती है आपको देते हैं। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, बंद है।